समाजवादी पार्टी से जुड़ा एक नया विवाद सामने आया है। रूली तिवारी नाम की महिला जो खुद को समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बताती हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को ट्वीट करके अपने ही एक पार्टी के शख्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पार्टी के एक शख्स ने उन्हें गालियां दी है। रूली तिवारी ने बताया है कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष के पति मनोरंजन यादव ने उन्हें अखिलेश यादव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर गालियां दी। रूली तिवारी ने कहा है कि ब्राह्मण होने की बात कहकर उन्हें गालियां दी गई। रूली तिवारी ने फेसबुक पेज पर भी इसकी जानकारी दी है। हालांकि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की तरफ से इस बाबत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन रूली तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक समर्पित महिला नेत्री और यूएन मेडल से सम्मानित सैन्य अधिकारी की पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव दुर्भाग्यपूर्ण है। रूली तिवारी ने अखिलेश से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो सोमवार तक कार्रवाई का इंतजार करेंगे। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी, आपकी अनुगामी और समाजवादी पार्टी की रूली तिवारी ने क्या ट्वीट किया है हम आपको बता रहे हैं। सच्ची सिपाही होने के बाद ये पीड़ा असहनीय है कि आपके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर मीडिया सेल के संज्ञान में लाने के बाद भी इस तरह की अश्लील अभद्र गालियां मेरे सरनेम को लेकर पिछले 15 घंटों से यादवों द्वारा दी जा रही है। तो इस ट्वीट के बाद अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। आपको बताते हैं कि रूली तिवारी ने ट्वीट जो किया है उसके बाद इंतजार करने की बात वो कह रही हैं। वो कह रही हैं कि सोमवार तक वो इंतजार करेंगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी, पिछले 15 घंटे से कुछ यादव लोग, उन्होंने ट्वीट फिर से किया, आपके ऑफिशियल FB प्रोफाइल पर मुझे ब्राह्मण होने की वजह से गालियां दे रहे हैं। खास बात यह है कि उनमें से एक गोरखपुर सपा जिला पंचायत अध्यक्ष का पति मनोरंजन यादव है। मैं एक महिला, 2 पुत्रियों की मां और देश के एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूं। रूली तिवारी के आरोपों पर समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट कर जवाब दिया गया है। पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा गया है, समाजवादी साथियों से अपील है कि भाजपा के षड्यंत्र में न फंसते हुए खुद पर संयम रखें एवं सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अभद्र, अमर्यादित और विवादित टीका टिप्पणी से बचें। भाषा से सम्मान, शालीनता और सभ्यता को प्रमुखता दें भाषा में, यही समाजवादी पार्टी की पहचान है। तो ट्वीट दर ट्वीट अब सामने आ रहा है, सब कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा है। एक महिला नेत्री जो अपने आप को पार्टी से जुड़ी हुई बताती हैं, उन्होंने कहा है कि उनके सरनेम को लेकर के, तिवारी को लेकर के लगातार टिप्पणी की जा रही है यादवों की तरफ से, और अब इसकी शिकायत उन्होंने ट्विटर पर भी की है, फेसबुक पर भी की है, और ये कहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सोमवार तक वो इंतजार करेंगी कार्रवाई का। इधर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये कहा गया है कि अमर्यादित टिप्पणी से बचें, भाजपा के षड्यंत्र में न फंसे। कितना वक्त लगना चाहिए ये भी पूछा गया है फेसबुक पोस्ट पर, ट्विटर पर रूली तिवारी की तरफ से। मैं SP की प्रवक्ता हूं, रूली तिवारी ने कहा है, ब्राह्मण बताकर गाली दी गई मुझे, कल तक कार्रवाई का इंतजार करूंगी, रूली तिवारी ने यह कहा है। तो महिला नेता की अखिलेश से मांग की गई है, कार्रवाई का इंतजार कर रही हूं।